कोरोना संकट के कारण पिछले दो सप्ताह से अधिक समय से लॉकडाउन झेल रहे देश के पूर्वी हिस्से के छोटे से राज्य झारखंड की राजधानी रांची में 10 अप्रैल को दिन में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बुलावे पर तमाम राजनीतिक दलों के प्रदेश अध्यक्ष एक एक कर प्रोजेक्ट भवन में पहुंचे तो किसी को अंदाजा नहीं था कि कोरोना संकट के प्रति सभी दलों का नजरिया एक जैसा है। आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। झारखंड के राजनीतिक दलों ने पेश कर दी मिसाल। पहली बार किसी एक उद्देश्य के लिए सभी दल आए साथ। सर्वदलीय बैठक में उभरे एक सुर, कोरोना की जंग में हम सब साथ साथ हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। कोरोना संकट से जूझ रहे झारखंड के लिए 10 अप्रैल का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि राज्य की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में एक स्वर से इस खतरे से राज्य को बचाने का संकल्प व्यक्त किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये प्रयास इस जंग में एक बड़ा और महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले किसी राज्य ने इस तरह की बैठक का आयोजन नहीं किया था। हाँ, केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर सर्वदलीय बैठक कर कोरोना के खिलाफ जंग में सभी दलों का सहयोग मांगा था। झारखंड में ये पहला अवसर है जब किसी एक मुद्दे पर तमाम विपक्षी पार्टियों के सुप्रीमो एक साथ एक मंच पर आए हों और कोरोना के खिलाफ जंग में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिया है। इस सर्वदलीय बैठक का निहितार्थ साफ है कि राजनीतिक रूप से चाहे हर दल अलग अलग राय रखता हो, सवाल जब झारखंड का हो तब सभी दल एक साथ हैं। इस राजनीतिक एकता के बल पर झारखंड आगे बढ़ रहा है और संकट के इस दौर में ये एकता एक मिसाल बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस आयोजन के फलाफल का विश्लेषण करती आजाद सिपाही ब्यूरो की खास रिपोर्ट। कोरोना संकट के कारण पिछले दो सप्ताह से अधिक समय से लॉकडाउन झेल रहे देश के पूर्वी हिस्से के छोटे से राज्य झारखंड की राजधानी रांची में 10 अप्रैल को दिन में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बुलावे पर तमाम राजनीतिक दलों के प्रदेश अध्यक्ष एक एक कर प्रोजेक्ट भवन में पहुंचे तो किसी को अंदाजा नहीं था कि कोरोना संकट के प्रति सभी दलों का नजरिया एक जैसा है। 3 दिन पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से इस मुद्दे पर बात की थी तब कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया था, इसलिए रांची में होने वाली सर्वदलीय बैठक के प्रति भी कोई खास उत्साह नहीं था। लेकिन बैठक समाप्त होने के बाद बाहर निकले इन नेताओं ने जो कुछ कहा वो न केवल कोरोना के खिलाफ जंग के लिए निर्णायक साबित हो सकता है बल्कि पूरे देश के लिए मिसाल बन सकता है। चाहे सत्तारूढ़ झामुमो हो या कांग्रेस, राजद, विपक्षी भाजपा हो या जसू, वामपंथी पार्टियां हो या अन्य बड़े दल, सभी ने एक स्वर से इस संकट के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने और झारखंड को बचाने का संकल्प व्यक्त किया। सही मायने में इस सर्वदलीय बैठक का कोई सकारात्मक परिणाम निकलता नजर आया। बैठक में शामिल होने सभी दलों के बड़े नेता आए, किसी को इसमें राजनीति नजर नहीं आई जैसा कि पिछली बैठकों में होता था। इससे ये भी साफ हो गया कि झारखंड को कोरोना से बचाने के लिए हर दल गंभीर है और हर दल के पास अपनी रणनीति है। कहा भी जाता है कि यदि संकट के समय बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से समाधान लेकर इकट्ठे हो जाएं तो एक ठोस समाधान निकल सकता है और संकट से सफलता से सामना किया जा सकता है। हेमंत सोरेन ने यही किया। पहले उन्होंने अपने स्तर से तमाम उपाय कर लिए, व्यवस्था को चाक चौबंद बना लिया ताकि सर्वदलीय बैठक में व्यवस्थागत खामियों पर वाद विवाद कर असल मुद्दे को भुला नहीं दिया जाए। ये हेमंत सोरेन की प्रशासनिक क्षमता और दूरगामी सोच का बड़ा उदाहरण है तो झारखंड के तमाम राजनीतिक दलों का राज्य हित में सकारात्मक कदम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक की चहुओर सराहना हो रही है। हेमंत सोरेन ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर साफ कर दिया है कि वो झारखंड में ऐसी लकीर खींचना चाहते हैं, ऐसी परंपरा स्थापित करना चाहते हैं जो पूरे देश के लिए मिसाल बने। वहीं विपक्ष भी ये संदेश देना चाहता है कि भले ही हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग अलग है लेकिन झारखंड हित में हम सभी एक हैं।
कोरोना संकट ने उन्हें ये अवसर दिया और वो पीछे नहीं हटे। इस बैठक के बाद झारखंड के 3.25 करोड़ लोगों को भी भरोसा हो गया कि सामान्य दिनों में राजनीतिक दाव पेंच में उलझे रहने वाले राजनीतिक दल संकट के समय साथ हैं, और यदि हर दल इसमें अपनी सकारात्मक भूमिका निभा गया तो फिर इस संकट का सामना करना और इससे पार पाना बेहद आसान हो जाएगा। इस सर्वदलीय बैठक ने एक और बात साफ कर दी है, वो ये कि यदि किसी संकट का मिलकर सामना किया जाए तो वो संकट छोटा हो जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस शानदार पहल के लिए झारखंड उन्हें हमेशा याद रखेगा, साथ ही कोरोना के खिलाफ जारी जंग को जीतने के प्रति उनके साथ तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिबद्धता भी झारखंड को 2 गुनी ताकत देगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब देखना होगा कि सर्वदलीय बैठक में व्यक्त सुझावों और विचारों को कितना अमल में लाया जाता है। सरकार और राजनीतिक दलों ने शुरुआत कर दी है, अब झारखंड के लोगों को तय करना है कि वे इस लड़ाई को कितनी जल्दी और प्रभावी ढंग से जीतते हैं। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप गूगल पर आजाद सिपाही ई पेपर टाइप कर इसका डिजिटल संस्करण भी पढ़ सकते हैं, और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।